जिस दिन केवल यादव बनकर के लड़ना सीखेंगे तो मार खाएंगे ही खाएंगे। जैसे पिपराइच के अंदर हुआ, कमरिया गांव में 7 यादव परिवार हैं, 40 मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार भैंसे का मांस खा करके पूरी हड्डियां यादवों के घरों में फेंक देते थे। यादव विरोध करता था तो सभी लोग मिलकर के मारते थे। वे थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वे लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में मेरे पास आए, मैंने थानाध्यक्ष से कहा, मैंने कहा ये अन्याय क्यों हो रहा है। उसने कहा कि मैं जाऊंगा देख लेता हूं। मैंने कहा जाइए। 3 दिन का फिर वे यादव आए, कहा कि कोई नहीं गया। मैंने थानाध्यक्ष से पूछा, उसने कहा मैं जा नहीं पाया लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। थानाध्यक्ष गया, थानाध्यक्ष ने मुझे बताया कि हाँ इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कहा अन्याय हो रहा तो न्याय करो। कहा मुसलमान है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मुसलमानों को नहीं छेड़ना है। अरे हमने कहा तो ये भी तो यादव है, कम से कम यादव के नाम पर तो न्याय कर लीजिए, हिंदू के नाम पे नहीं कर रहे हैं। तो कहा नहीं साहब हम नहीं कुछ कर पाएंगे। वक्त जब हुई मैंने उसको कुछ बोल दिया, उसने मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसके बाद 30,000 हिंदू आवानी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और उसके बाद उसको सस्पेंड करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा वहां से। कार्रवाई हुई और उसके बाद हिंदू आवानी का कार्यकर्ता गांव में गया, SDM गए, CO गए और गांव में फिर हिंदुओं के साथ न्याय हो पाया। मुसलमानों की तरफ एक दीवार चला दी गई, कहा कि तुम अगर चैन से नहीं रह सकते हो तो तुम्हारी तरफ दीवार करके तुम उधर ही कैद रहो, हिंदुओं के उसमें तुम जाओगे नहीं, जाओगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तब वहां पर सुरक्षा हो पाई, तब सुरक्षा हो पाई। और इसीलिए हम सब कहने के लिए आए हैं बंधुओं, जाति के नाम पर, जाति के नाम पर आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हिंदू बन करके सुरक्षित होइए, संगठित होकर के कार्य करिए और उसी संगठन की अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। विकास हम कराएंगे, विकास की गारंटी हम लोग लेंगे। पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें गोरखपुर पीछे नहीं रहेगा। गोरखपुर का गांव गांव उस विकास से जुड़ेगा, गांव गांव इस विकास को हम लोग लेकर के आ जाएंगे। लेकिन विकास के साथ साथ हमारी सुरक्षा पर, जो सुरक्षा की चिंता है वो राष्ट्र की चिंता है और उस सुरक्षा के प्रति आप सबका सहयोग और समर्थन के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि सशक्त संगठन गांव गांव में खड़ा करिए और उस संगठन